नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शशांक, आपका रीजनिंग होस्ट, रीजनिंग एजुकेटर, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। वेल, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन लोग एसवे क्लर्क एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कुछ प्रीवियस ईयर बेस्ड पजल्स डेली लेके आते हैं। डेली इसकी वीडियो अपलोड होती है जिसमें डेली टोटल ऑफ 4 पजल्स रहती हैं, जो कि आपके एग्जाम में मतलब एक्सपेक्टेड है 4 पजल आने, है ना। तो उन्हीं के बेसिस पे हम लोग डेली कुछ ना कुछ नई नई पजल्स लेके आते हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम के लिए। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 12 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं एंड टुडे इज द 13th पार्ट, राइट। आज जो अपना पजल का पार्ट है ये 13th पार्ट है, दिस द 13th पार्ट। और इसमें भी हम लोग 4 पजल करेंगे, टोटल जाएंगे कितनी, 52 पजल्स, राइट। 52 पजल्स आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे आज के सेशन के बाद। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इससे पहले के 12 पार्ट्स आप लोग देख सकते हैं जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। नए हैं तो चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना एक बार, और सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करेंगे बिना देरी किए आज की पहली पजल के साथ। पहली पजल आप लोगों के सामने ये गई, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी है, दोनों बाइलिंगुअल कंटेंट है और प्रॉपर ना एग्जाम लेवल कंटेंट लेके आ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एग्जाम से ऊपर का कंटेंट है, बहुत ज्यादा नीचे का लेवल है। एग्जाम में खुद भी देता हूं तो मुझे भी पता है कि एग्जाम का लेवल क्या रहता है ना। तो उसी प्रकार का कंटेंट आपको इधर डिलीवर किया जा रहा है। सो स्टार्ट करेंगे इस पजल को दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से, और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। सबसे पहली पजल आपको देखो इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखी है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको अवेलेबल है कंटेंट। अब बोल रहा है आपको कि 8 पर्सन है लीनियर रो में बैठे हैं और सभी लोग नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में, ठीक है। आर 6 लेफ्ट में, एस के, इसका मतलब 6 लेफ्ट में होने का मतलब उससे एक कम उन दोनों के बीच में आएंगे। तो आर अगर ये गया तो 1 2 3 4 5, एस ऐसे बनेगा, ये केस नंबर 1। और एक और केस नंबर 2 ले लेते हैं, आर 1 2 3 4 5 और एस, आर और एस इस तरीके से बन गए, राइट। टी और आर एक दूसरे के एडजेसेंट है तो एक केस में क्या होगा, टी और आर ऐसे बन जाएंगे, और एक केस में क्या हो जाएगा, टी और आर ऐसे बन जाएंगे। पहले वाले केस में देखो कितने लोग हो गए, 2 3 4 5 6 7 8, और दूसरे केस में 2 3 4 5 6 7, मतलब आठवां जो पर्सन है दूसरे केस में या तो एस के इमीडिएट राइट में होगा या आर के इमीडिएट लेफ्ट में, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आगे बोल रहा है क्यू 3 राइट में है टी के, तो मतलब 1 2 3, क्यू अपना यहां बनेगा और इस केस में 1 2, क्यू अपना यहां बनेगा, ठीक है। U और S एक दूसरे के एडजेसेंट है तो मतलब केस नंबर 1 में तो U डेफिनेटली यहीं बनेगा क्योंकि ऑलरेडी 8 लोग पूरे हो चुके हैं। सेकंड केस में क्या होगा, U अपना या तो S के इमीडिएट राइट में आ सकता है या S के इमीडिएट लेफ्ट में, क्योंकि U और S एडजेसेंट तो कहीं भी बन सकता है। और P 5 लेफ्ट में U के, तो पहले केस में 1 2 3 4 5 नहीं बन पाएगा, तो केस नंबर 1 गलत। यदि इस केस में U को यहां रखता हूं तो 1 2 3 4 5 U से नहीं बन पाएगा, तो U को मतलब यहां से हटाना ही पड़ेगा, U अपना यहां नहीं बनेगा। तो U अपना कहां बनेगा, डेफिनेटली U बनेगा यहां पे, और इधर भी कितने हो गए, 3 4 5 6 8 लोग हो गए। और P आपको बोल रहा है 5 लेफ्ट में U के, तो 1 2 3 4 P आ जाएगा अपना यहां पे। V और P आर नॉट एडजेसेंट, V और P एडजेसेंट नहीं है, तो V अपना यहां पे आ जाएगा और एक ही पर्सन बचा, कौन सा, W, W आ जाएगा यहां पे। मतलब ये पजल मुझे नहीं लगता 1 मिनट की भी पजल थी, ये आराम से आप लोग 45 सेकेंड्स के विदिन बना सकते थे इस पजल, ठीक है। इजी पजल थी, कोई बहुत ज्यादा टफ थी नहीं। तो अरेंजमेंट बनेगा इसका RTPWQVSU इज द राइट ऑर्डर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी यही इसका सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। मूव करेंगे आज की अपनी दूसरी पजल की ओर। दूसरी पजल आप लोगों के सामने ये गई, सीक्वेंस बेस्ड पजल है जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि आप किसी भी शिफ्ट में इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पजल को, राइट। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको ये दे रखा है और इसी के साथ हम लोग इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे इंग्लिश में। तो 8 स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, PQRSTUVW आर स्टैंडिंग इन ग्राउंड वन आफ्टर अनदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ओनली 3 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग बिटवीन क्यू एंड डब्ल्यू, क्यू और डब्ल्यू के बीच में 3 लोग हैं, तो क्यू 1 2 3, क्यू और डब्ल्यू के बीच में 3 लोग या तो ऐसे होंगे या फिर डब्ल्यू 1 2 3, क्यू और डब्ल्यू के बीच में 3 लोग ऐसे, केस नंबर 1 एंड केस नंबर, राइट। चलिए 1 स्टूडेंट टी और क्यू, टी और क्यू के बीच में केवल एक ही पर्सन है और क्यू हु जो लगा है वो क्यू के लिए लगा है, क्यू हु इज स्टैंडिंग बिफोर टी, क्यू टी के पहले है, तो क्यू अगर टी के पहले है तो टी यहां पे बनेगा, और इस केस में क्यू टी के पहले तो एक पर्सन छोड़ के टी ऐसे बनेगा, क्यू और टी के बीच में एक है और क्यू पहले है टी के, तो क्यू ऊपर चला गया और टी नीचे रह गया। केस नंबर 2 में 4 5 6 7, 7 लोग हो चुके हैं, आठवां पर्सन या तो डब्ल्यू के ऊपर हो गया टी के नीचे, और इसमें 1 3 4 5, इसमें तभी बात ही नहीं बनेगी। 4 लोग हैं टी और पी के बीच में, और पी किसके पहले, टी के, मतलब पी पहले आएगा टी के, और इनके बीच में कितने हैं, 4 लोग, टी और पी के बीच में 4 लोग, तो टी के ऊपर पी जाना है और कितने, 4 लोगों का गैप आएगा, 1 2 3 4, पी आ जाएगा यहां पे, और इस केस में 1 2 3 4, पी आ जाएगा अपना यहां पे। केस नंबर 1 को जरा ध्यान से देखना, कितने लोग हो गए टोटल, 5 तो अपने ऑलरेडी हो गए थे, 5 और 3 8, टोटल अपने 8 हो गए, और इसमें कितने हो गए, 4 5 6 7 में भी, तो मतलब केस नंबर 2 में जो आठवां पर्सन है या तो डब्ल्यू के ऊपर हो गया टी के नीचे होगा।
केवल तीन लोग हैं आर और एस के बीच में। आर और एस के बीच में कितने लोग हैं? आर और एस के बीच में केवल तीन लोग हैं, दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। और एस डब्ल्यू के पहले खड़ा हुआ है बट नॉट आफ्टर क्यू, लेकिन क्यू के बाद नहीं है, तो इसका मतलब एस क्यू के भी पहले होगा, एस डब्ल्यू के भी पहले, क्यू के पहले। और अब चलो इसीलिए चीज को पहले फिक्स करते हैं आर और एस को, और एस डब्ल्यू के ऊपर जाएगा और क्यू के भी ऊपर जाएगा। तो केस नंबर वन में अगर क्यू के जस्ट ऊपर रखूं या क्यू के दो ऊपर रखूं, अगर क्यू को मैं पी के जस्ट नीचे रख, सॉरी एस को अगर मैं क्यू के, सॉरी एस को अगर मैं पी के जस्ट नीचे रखता हूं, मतलब यहां पे रखता हूं एस को, तो एस और आर के बीच में तीन लोग, एक दो तीन नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे टी ऑलरेडी विराजमान है। तो मतलब एस को आपको रखना पड़ेगा कहां पे? एस को रखना पड़ेगा आपको इधर, और एक दो तीन आर आ जाएगा अपना यहाँ पे, ठीक है। एस डब्ल्यू के भी ऊपर हो गया, एस क्यू के ऊपर भी हो गया, और आपको बोला है यू जो है वी के पहले खड़ा है, तो यू अपना यहां बनेगा और वी अपना यहां बनेगा। तो ऑर्डर क्या बन रहा है? पी यू एस क्यू वी टी आर डब्ल्यू, और वी आर के पहले नहीं है। और लेकिन केस नंबर वन गलत, क्यों? क्योंकि वी तो आर के पहले चला, केस नंबर वन गलत हो गया। केस नंबर टू पे वर्क करेंगे, एस जो है डब्ल्यू के पहले है, तो केस नंबर टू में आठवां पर्सन जो बनेगा वो यही बनेगा, और एस और आर के बीच में तीन है, तो एक दो तीन आर अपना यहां आएगा, और वी हु इज नॉट स्टैंडिंग बिफोर आर, वी जो है आर के पहले नहीं है, तो वी जो है आर के बाद आ जाएगा, और यहां बोल रहा था यू इज स्टैंडिंग बिफोर वी, यू वी के पहले, तो यू यहां आ जाएगा। तो ऑर्डर अपना बनेगा ये वाला, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी यही बनाया होगा, एस डब्ल्यू पी यू आर क्यू वी टी इज द राइट एक्सप्लेनेशन एंड दिस इज द राइट सॉल्यूशन फॉर आवर पजल, राइट। एंड आई होप यू आर गेटिंग द राइट सॉल्यूशन एंड यू आर मतलब इंक्रीजिंग योर स्पीड डे बाय डे विद दिस फोर पजल इन 12 मिनट सेशन। चलिए तीसरी पजल आप लोगों के सामने ये भी, जो कि डुअल रो अरेंजमेंट की पजल है, जिसमें 10 लोगों की बात कर रहा है, पैरेलल रो भी कहते हैं इसे काफी जगह पे, और डुअल रो भी कहते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है, ये क्या हिंदी में और ये क्या इसका इंग्लिश में, लेकिन अपन लोग करेंगे इंग्लिश में, ठीक है। 10 पर्सन आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज एंड फेसिंग ईच अदर इन रो वन एफ जी एच आई जे आर सिटिंग एंड फेसिंग साउथ। ओके, ये रो नंबर वन, इसमें सभी लोग साउथ फेस कर रहे हैं, एफ जी एच आई और जे, हो सकता है आगे पीछे कोई भी पर्सन हो जाए, जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो। और रो नंबर टू में पी क्यू आर एस टी है, पी क्यू आर एस और टी, ठीक है। तो यहां पे आएंगे पी क्यू आर एस टी, और इसमें कौन कौन आना है? एफ जी एच आई जे, एफ जी एच आई और जे। चलिए एक और केस बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सेम हियर, 1 2 3 4 5, राइट। चलिए इसका आप सॉल्यूशन देखते हैं क्या बनेगा। ओके, यहां से स्टार्ट है अपनी, आर जो है तीन लेफ्ट में है एस के, तो आर अपना अगर यहां रखो तो एक दो एस, एस के तीन लेफ्ट में हो गया, और आर सेम अगर यहां रखो तो एक दो एस इधर आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है, यही दो पॉसिबल केस बन सकते हैं। 1 पर्सन एस और पी, तो एस और पी के बीच में 1 पर्सन या तो ऐसे या फिर एस और पी के बीच में 1 पर्सन ऐसे। एफ दो राइट में है एच के, ये अभी फिक्स नहीं हो पाएगा, तो इसको होल्ड पे रखते हैं कि एफ दो राइट में है एच के। ये मैंने लेफ्ट आपको लग रहा होगा, लेकिन ये लेफ्ट नहीं है, राइट है। क्यों? क्योंकि एफ और एच साउथ में फेस कर रहे हैं, और साउथ में जो राइट होता है वो आपके लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग होता है, याद रखना, ठीक है। और एफ ना तो पी के अपोजिट है ना आर के, तो केस नंबर वन में अगर पी और आर के अपोजिट नहीं है, तो एफ डेफिनेट यही आ सकता है, क्योंकि एक छोड़ के फिर एच आना है। केस नंबर टू में पी और आर के अपोजिट नहीं है, तो ना तो एफ यहां आएगा ना या एफ यहां आएगा, तो एफ डेफिनेट अपना यहीं पे आ सकता है, और एफ एक छोड़ के एच अपना यहां बनेगा, राइट। चलिए एच और आई इमीडिएट नेबर है, केस नंबर वन में आई डेफिनेट यहां बनेगा, और केस नंबर टू में आई अपना यहां भी हो सकता है, और आई अपना यहां भी हो सकता है। क्यू एफ और जे के अपोजिट नहीं है, अगर क्यू एफ के अपोजिट नहीं है, केस नंबर वन में क्यू यहीं आएगा और एक पर्सन बचा टी यहां जाएगा, एफ के अपोजिट क्यू नहीं है, तो क्यू डेफिनेट यहीं आएगा और टी अपना डेफिनेट यहां आएगा, मतलब पी क्यू आर एस टी तो अपने फिक्स हो चुके हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन टी एस इज सेम एज बिटवीन जी जे, टी एस और जी जे के बीच में सेम है, पहले वाले केस में टी और एस के बीच में जीरो है, तो जी और जे के बीच में जीरो आएंगे, जो कि यहां पे पॉसिबल है इन दोनों में से। सेकंड केस में देखो टी और एस के बीच में तीन है, तो जी और जे के बीच में तीन आने नॉट पॉसिबल, क्योंकि एफ ऑलरेडी यहां पे है, तो तीन लोग कैसे बन जाएंगे? तो केस नंबर वन इज, सॉरी टू इज गलत, केस नंबर टू इज गलत, ये केस नंबर वन और केस नंबर टू इज गलत। अब आपको ये भी बोला है कि जे लेफ्ट में है जी के, अगर जे लेफ्ट में है जी के, अगर जे लेफ्ट में है जी के, तो जी अपना यहां होगा और जे अपना यहां बनेगा, तो ऑर्डर बनेगा जी जे एफ आई एच और आर पी टी एस क्यू, दिस इज द राइट सॉल्यूशन फॉर आवर पजल। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी सेम यही सॉल्यूशन बनाया होगा, और जल्द से जल्द 1 से 1.5 मिनट के अंदर बना लिया होगा, क्योंकि पजल बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, कोई कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट भी नहीं है जो आपको परेशान करेगा इसमें।
इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी चौथी पजल आज की, और आपके सामने फोर्थ पजल ये की जो कि सर्कुलर टेबल के बेसिस पे और सभी लोग सेंटर में फेस कर रहे हैं। ये इसका हिंदी में दे रखा है एक्सप्लेनेशन। ओ सॉरी सॉरी, हिंदी में चेंज करना भूल गए, इसका रिपीट कर दिया हमने वो पिछली पजल का, सॉरी सॉरी सॉरी, हिंदी वाले दोस्तों से माफी चाहूंगा मैं इस चीज के लिए। आई एम रियली रियली सॉरी, रियली रियली सॉरी। ठीक है, माफ कर देना यार। तो ये इसका ये क्या हो गया यार, ये नहीं, सही तो करा यार, सही करा, मैं जबरदस्ती माफी मांग रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं जबरदस्ती माफी मांग रहा हूँ। ये इंग्लिश में दे रखा है सर्कुलर टेबल, हाँ नहीं, यहाँ दे रखा है, सॉरी सॉरी वापस लेते हैं, सॉरी वापस लेते हैं और स्माइली बना लेते हैं। ठीक है, सॉरी वापस ले लेते हैं, अपना हिंदी में दे रखा है ये, चलो इंग्लिश में दे रखा है, इंग्लिश में अपन लोग इसको सॉल्व करेंगे। पी से लेके बी तक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज द केस नंबर 1, और एक और बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, केस नंबर 2, राइट। सभी लोग सेंटर में फेस कर रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द पजल। यहां से स्टार्ट हो रहा है, पी से छोटी पजल है, 3 लाइन की है, हो जाएगी जल्दी। पी दो राइट में आर के, अगर मैं आर को यहां रखता हूं तो पी दो राइट में आर कैसे बनेगा, आर और पी, ठीक है। दो लोग हैं एस और आर के बीच में, एक दो एस अपना यहां आ सकता है या फिर एस अपना यहां आ सकता है। ओके, टी इमीडिएट राइट में डब्ल्यू के, लिख लो इस चीज को, टी आई आर, आई आर मतलब इमीडिएट राइट, ठीक है। फिर बोल रहा है एस और डब्ल्यू इमीडिएट नेबर है, एस और डब्ल्यू अगर इमीडिएट नेबर है डब्ल्यू को यहां रख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में टी नहीं बनेगा एस बनेगा, तो डब्ल्यू को रखना पड़ेगा यहां पे और टी इमीडिएट राइट में डब्ल्यू के ऐसे बनेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। यहां देखो जरा आप लोग, एस और डब्ल्यू नेबर है तो डब्ल्यू यहीं बन सकता है और टी इमीडिएट राइट में डब्ल्यू के टी यहां बनेगा, ठीक है। 1% डब्ल्यू और वी के बीच में, तो वी अपना यहां बनेगा और इस केस में डब्ल्यू और वी के बीच में 1% ऐसे बनेगा। यू दो राइट में है क्यू के, तो यू अपना यहां रहेगा, क्यू यहां रहेगा, क्योंकि क्यू का राइट ऐसे ही बनेगा, और इस केस में यू यहां रहेगा, क्यू यहां रहेगा, यू दो राइट में हो गया क्यू के। बोथ क्यू एंड पी आर नॉट इमीडिएट नेबर, क्यू और पी नेबर नहीं, तो केस नंबर 1 गलत हुई, यहाँ तो क्यू और पी नेबर बन रहा है, और केस नंबर 2 सही, क्योंकि यहाँ पे क्यू और पी नेबर नहीं है। तो यार देखो, बहुत ही ज्यादा चंदी चोर पने की पजल थी, बहुत ज्यादा लेंदी में थी ये, तो आराम से 35 सेकंड भी ज्यादा ही बोल रहा हूँ, 35 सेकंड तो खैर हाँ ठीक है, 35 सेकंड लगने थे, बट आराम से बना लोगे, ज्यादा टफ पजल नहीं थी, ठीक है। तो इसी के साथ आज की अपनी चारों पजल समाप्त होती है, और ये इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन दे रखा है, एक बार और स्माइली बना देते हैं आप लोग के लिए, ठीक है, देख लेना इसको, ये आपका हिंदी में एक्सप्लेनेशन दे रखा है। सेशन अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आज का सेशन, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार देख रहे हो। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अपने अगले सेशन में, स्कोर बूस्टर सेशन में और अगली पजल वाले सेशन। नमस्कार दोस्तों।